गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी में वो है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोस, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को शो करते हैं कि यानी बिजनेस जो है वो प्रोडक्शन ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, जितनी भी उसकी जो रनिंग एक्टिविटी है वो ढंग से हो रही है या नहीं हो रही। जैसे कि हम अपना जो प्रोडक्शन है वो सही से चल रहा नहीं चल रहा, स्टॉक को टाइम पे बेच पा रहे हैं नहीं पा रहे, जो हमारे डेटर्स हैं उनसे टाइम पे पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्रेडिटर्स को हम टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वर्किंग कैपिटल के लिए, इन सब के रेशियो निकाले जाते हैं। तो आज सबसे पहले इसमें जो डिस्कस होगा वो होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका एक नाम और भी है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये देखता है कि जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है इन्वेंट्री, उसको हम ठीक से टाइम पे बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे, और हमारा जो प्रोडक्शन का सर्कल है वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही तेज़ी से हमारा माल जो है बिकता चला जाएगा। अब इसमें फॉर्मूले की हम बात करते हैं। पहले देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एक नाम और भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने 11th में पढ़ा था। इसे निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का दूसरा नाम है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। परचेज हमें नेट परचेज लेनी है, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके, कैरिज कैरिज इन्वॉल्व एक ही बात है, या तो कैरिज लिखा हो तो भी आएगा, कैरिज इन्वॉल्व हो तो भी आएगा, आउटवार्ड इसमें नहीं लेना है। फ्रेट फ्रेट इनवार्ड को लेना है, आउटवार्ड नहीं लेना। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सीधे सीधे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसके जितने भी आइटम डेबिट साइड में आते थे उन सबको प्लस कर लेना है। क्लियर? जितने उसके डेबिट साइड में आते थे, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज, वेजेस, ठीक है ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो वो सारे तो हो जाएंगे प्लस, उसमें से माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक को यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री को। ध्यान रहेगा, ट्रेडिंग के जितने भी डेबिट वाले आइटम थे वो प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। बेटा कौन सा वीडियो बना रहा हूँ, सृष्टि ऐसे नहीं करती, इतनी भी अच्छी बेटी मेरी है ना। बेटा अभी आपका स्कूल अभी नहीं खुलेगा। अच्छा मैम से कहता हूँ, आपको घर ही बुला लें, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक उसको डिवाइड कर देना टू से। ये आपका फॉर्मूला हो गया एवरेज इन्वेंट्री का। हमें दो ही चीज चाहिए थी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, दूसरा एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के दो फॉर्मूले, पहला सिंपल था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरे में जितने भी हमारे ट्रेडिंग के डेबिट वाले आइटम थे उनको प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर लेंगे। ये तो निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो टर्नओवर रेशियो है वो टीसी है ना, तो इनके आंसर हमेशा टाइम्स में आएंगे, इतने टाइम मल्टीपल यानी कि इतने गुना। इसका एक सेकेंड पार्ट भी है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज का मतलब जो इन्वेंट्री वो कितने दिन तक हमारे पास रहती है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज यानी 365 लेना है डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आंसर डेज में आ जाएगा, इतने डेज। मान लो अब आंसर आता आपको 71.2, तो इसे हम 72 डेज लिखेंगे, क्योंकि आधा दिन तो लगेगा ही नहीं भैया, तो 71 दिन में बिकेगा माल या 72 दिन में बिकेगा, तो पॉइंट अगर 1 भी आ जाए तो वो 72 एक बढ़ा देना आपको, ठीक है। मान लो 80.6 आ गया तो भी 81 लिखना है, 80.1 आ गया तो भी आपको
81 लिखना है। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज टर्नओवर रेशियो, पहले इसे अच्छे से देख लें, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ।